और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मेडिकल बुलेटिन जिसका इंतजार किया जा रहा था जारी हो चुका है, लेकिन स्थिति अभी भी अटल की नाजुक बनी हुई है। एम्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एम्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है, इसका इंतजार हो रहा था क्योंकि कहा जा रहा था कि इस मेडिकल बुलेटिन में ही साफ हो पाएगा कि स्थिति में कितना सुधार हुआ है, लेकिन सुधार नहीं हुआ है, अभी भी तबीयत नाजुक बनी हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एम्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है, तबीयत अटल जी की अभी भी नाजुक बनी हुई है, नाजुक तबीयत बनी हुई है और कल से ही ये स्थिति बनी हुई है जिसको लेकर दुआ और प्रार्थना का दौर लगातार जारी है। उनके स्वस्थ होने की कामना हर कोई कर रहा है, लेकिन मेडिकल बुलेटिन से जो उम्मीद थी कि शायद कुछ अच्छी खबर आए इस मेडिकल बुलेटिन में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। अनिल सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनिल, हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है अटल जी की। जिस तरीके से पिछले दो दिन से लगातार अगर बात करें हम अटल जी की, तो अटल जी की हालत जो है वो लाइफ सपोर्ट के जरिए चल रही है और उनकी क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है। इसी जिस तरीके की सुबह से एक हैपनिंग वहां पर चल रही थी, उस नेताओं का जो दौर था वो उनको देखने के लिए शुरू हो गया था, तो तमाम तरीके की अफवाहें बाजार में आने लगी थी कि शायद अटल जी अब नहीं रहते। उसी सब चीजों को लेकर हमें एम्स की तरफ से एक बुलेटिन जारी किया गया कि अभी भी उनकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है, लाइफ सपोर्ट के जरिए उनको अभी भी रखा गया है। तो अभी ये कह सकते हैं कि जो जिस तरीके की मार्केट में हवा चल रही, वो बातें आ रही थी, अफवाहें फैल रही थी, उसमें अब काफी हद तक विराम लग गया। हालांकि अभी भी वहां पर नेताओं के पहुंचने का जो दौर है वो अभी भी जारी है, जगह जगह देश के अंदर उनकी दीर्घायु के लिए हवन किए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से हवन भी किए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान बीजेपी ने अपने तमाम जो उनके कार्यक्रम थे उन सभी को उन्होंने स्थगित कर दिया है अगले कुछ दिन के लिए। तो अभी कहना ये थोड़ा सा ज्यादा जल्दबाजी होगी कि अब अटल जी नहीं रहे, लेकिन यह है कि लाइफ सपोर्ट पर जब तक एम्स की तरफ से पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके से कंडीशन उनकी लगातार एम्स खुद कह रहा है कि उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, उसको देखकर यही लगता है कि अब शायद आगे जो जो भी होगी एम्स की तरफ से बताया जाएगा वो शायद यही होगा कि जो अब अटल जी नहीं रहे। लेकिन फिलहाल बहरहाल अभी देश के अंदर तमाम जगह बीजेपी के भी बहुत सारे जो वॉलंटियर्स हैं वो उनकी दीर्घायु के लिए हवन कर रहे हैं। अनिल, लेकिन ये तो एक एक जो डर जिस तरह का आप बता रहे थे, जो अफवाह लगातार फैलती जा रही थी, उन अफवाहों पर तो विराम लगाया हो, कहीं ना कहीं समर्थकों को, उन लाखों करोड़ों समर्थकों को एक राहत की सांस ये मिली होगी कि नहीं, अभी हालत नाजुक है लेकिन प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति होती है कि बाद में स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन जो अफवाह थी उस पर तो विराम लगाया। बिल्कुल सही बात है कि जो देखिए जिस तरीके से धीरे धीरे अगर हम कहें कि दवाओं का असर अटल जी पर कम हो रहा है, तो अब सिर्फ जो दवाएं हैं उन पर उनका असर अगर देखा जाए तो वो अब धीरे धीरे उन पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कल रात से ही अफवाह फैली हुई थी कि शायद अब अटल जी नहीं रहे, क्योंकि जब कल दो दिन पहले राजनाथ जी और अमित शाह गए थे तब से ही ये कयास लगाया जाए, लोगों ने तमाम तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए थे। और उसके बाद जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको देखने के लिए पहुंचे, तो उसके बाद स्मृति ईरानी तमाम बीजेपी के बड़े नेता उनको देखने पहुंचे, तो तमाम तरीके की अफवाहें बाजार में एकदम से चलने लगी कि शायद अब अटल जी नहीं रहे। तो उस सब चीजों को लेकर कल रात को भी एम्स की तरफ से एक बुलेटिन जारी किया गया था, जिसमें ये कहा था कि अगले 24 घंटे काफी क्रिटिकल हैं अटल जी के लिए। और अभी जो बुलेटिन है उसके अंदर भी सेम वही बातें लिखी हैं कि अभी भी उनकी हालत जो है वो क्रिटिकल है, लाइफ सपोर्ट पर वो इस वक्त है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि इस तरीके के बुलेटिन आने के बाद उनके जो समर्थक है या उनके जो अटल जी को चाहने वाले हैं उनमें एक थोड़ी सी एक नया ऊर्जा उनको मिली है कि शायद अभी भी अटल जी उनके बीच में है। लेकिन उनकी जिस तरीके से 96 साल की उम्र हो गई है उसको देखते हुए अब लाइफ सपोर्ट भी ज्यादा उनको मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अनिल अगला मेडिकल बुलेटिन कब तक जारी हो सकता है? अगला मेडिकल बुलेटिन जो है वो शाम के आसपास ही जारी होगा। अभी फिलहाल तौर पर जो वहाँ पे बीजेपी के बड़े नेता हैं और जो तमाम देश के नेता हैं वो उनको देखने के लिए पहुंच रहे हैं, तो अभी हाल फिलहाल में अब नहीं आएगा कोई मेडिकल बुलेटिन। और रात के 8 बजे या 10 बजे के आसपास देर रात को एक मेडिकल बुलेटिन फिर एम्स की तरफ से जारी किया जाएगा, जो भी उसमें अपडेट होगा वो उसके जरिए ही बताया जाएगा। हालांकि मीडिया को कुछ देर के लिए अंदर बुलाया गया था, एम्स के डायरेक्टर ने बुलाया था, वहां पर उनको जो मेडिकल बुलेटिन है ये देकर जानकारी दी गई कि अभी भी अटल जी की जो हालत है वो क्रिटिकल बनी हुई है और लाइफ सपोर्ट पर है। लेकिन अनिल, जिस तरह से एम्स के परिसर में जो खबरें सामने आ रही लगातार कि हलचल तेज हुई है, छोटी छोटी दुकानों को हटाया जा रहा है और जगह बनाई जा रही है, मीडिया को भी इकट्ठा किया गया है और पीएम मोदी भी पहुंचने जा रहे हैं,
तो ये सब इसके पीछे वजह क्या सामने आ रही है, क्या नेता वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं उसको लेकर है या फिर कोई और कारण है? देखिए अभी तक तो फिलहाल जो कारण है वो यही कारण है कि जो जिस तरीके से वहाँ पर हलचल हुई है नेताओं के पहुँचने से, तो उससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक डायवर्जन करना पड़ रहा है और अंदर भी परिसर में, क्योंकि डेली बेसिस का है तो उसमें जो ओपीडी आज चल रही है, ऐसे में जो वहाँ के मरीज हैं उनको परेशानी हो रही है, तो उसको भी एक डाइवर्ट किया जा रहा है कि जिस तरीके जैसे कि नेता अगर वहाँ पर आते हैं तो ना तो जो मरीज आ रहे हैं उनको किसी तरीके की परेशानी हो और ना ही जो नेता आ रहे हैं उनको किसी तरीके की परेशानी हो या किसी तरीके की कोई ऐसी वहाँ पर गतिविधि हो जाए जिससे कि नेताओं को परेशानी हो या फिर मरीजों को परेशानी, उन सबको देखते हुए जो आसपास की दुकानें जो छोटी छोटी दुकानें थी उनको हटाया गया और जो ट्रैफिक वहाँ पर पार्किंग दाएं बाएं होती थी गाड़ियाँ उनको भी वहाँ से हटाया गया और तमाम जगह बैरिकेड इसीलिए कर दिए गए हैं कि कम से कम जो जो नेता उनको देखने आ रहे हैं तो सभी एक जो है वो खुला रहे उनके आने के लिए और साथ ही मरीजों को भी किसी तरीके की परेशानी ना, तो मरीज आसानी से ओपीडी में जाकर अपने डॉक्टर को वो दिखा सके, क्योंकि एम्स एक इतना बड़ा अस्पताल है कि यहाँ पर बाहर से भी लोग दूसरे राज्यों से मरीज आते हैं और उनकी उनकी अपॉइंटमेंट काफी दिनों बाद होती है, तो ऐसे में आपको मैं रोकना चाहूंगा अनिल, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जरा दर्शकों को वो प्रेस रिलीज दिखा दें, वो मेडिकल बुलेटिन दिखा दें जो कि एम्स के द्वारा जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि अटल जी की तबीयत नाजुक बनी हुई है। ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है कुछ ही देर पहले एम्स की तरफ से और इसमें कहा गया है कि कंडीशन अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है, सेम है कंडीशन जो कल थी, ही इज क्रिटिकल एंड ही इज ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो ये प्रेस रिलीज आपको दिखा रहे हैं, एम्स की तरफ से ये जारी किया गया है मेडिकल बुलेटिन और खबर ये भी आ रही है कि जल्द ही एक और मेडिकल बुलेटिन जारी हो सकता है। अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अनिल जो हम मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया उसमें पढ़ पा रहे हैं कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर अभी भी हैं अटल जी और एक और मेडिकल बुलेटिन जारी करने की बात, यहां पर जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, बेहद दुखद है अनिल, क्योंकि लगातार जिस तरह से स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज हुई अटल बिहारी वाजपेयी की और पिछले 8 सालों से बिस्तर पर हैं, हर कोई उन्हें याद कर रहा है ये सोचते हुए कि जब उनका दौर था, जब वो किसी से मिलते थे किस खुश मिजाजी से मिलते थे, अब जब अटल जी की तबीयत खराब है तो निश्चित तौर पर पीड़ा होती है। देखिए जाहिर सी बात है कि अटल जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो एक दूसरी छवि वाला रहा है कि जहाँ पर लोग उनसे उनसे मुखातिब होते तो वो बड़े उनसे मिलते थे तो बड़े गर्म जोशी के साथ मिलते थे और जो उनसे एक बार मिल लेता था वो अपनी छवि उसके दिल में उतार देते थे, तो अटल जी की एक अपनी छवि है, चाहे वो उनका राजनीति का कोई विरोधी रहा हो और चाहे उनके सत्ता पक्ष के साथ रहा हो, तो सभी से उनकी जो छवि है वो बेहतर रही है हर एक इंसान के अंदर जो उनसे मिलते थे, चाहे वो एक जो कवि के रूप में उनसे मुलाकात होती थी उन मंच पर, तो अटल जी का व्यक्तित्व ही इस तरीके का रहा है कि सभी लोग उनको चाहते हैं और यही वजह है कि आज उनकी जब वो इतनी इस कंडीशन में है, काफी बीमार है, वो किसी को पहचान नहीं सकते या किसी से बातचीत नहीं कर सकते, उसके बावजूद लोग उनसे मिलने पहुंच रहे हैं और तमाम लोग उनके लिए दीर्घायु के लिए उनसे दुआ कर रहे हैं उनकी, तो ये बताता है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है, किसी व्यक्ति का क्या परिचय होता है, इन सब चीजों को लेकर पता चलता है। लेकिन जहां तक अब बात है निराशा की, तो जाहिर सी बात है कि अब 96 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, क्योंकि उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और उन्हें बहुत एक लंबा दौर देखा है, राजनीति में भी एक बहुत लंबा उनका दौर रहा है, तो ऐसा 96 साल के होने के बाद उनकी जो एक नेचुरल है कि जब किसी स्टेज पर इंसान पहुंचता है तो उसके बहुत सारे जो ऑर्गन्स है जो पार्ट्स हैं वो काम करना बंद कर रहे हैं और पिछले 6 से 8 साल के आसपास जो है वो बीमार चल रहे हैं, तो ऐसे में वो अभी तक अगर कहा जाए तो डॉक्टर की निगरानी में चले थे, लेकिन पिछले 2 महीने से जिस तरीके से एम्स में भर्ती है और पिछले 3 दिन से कि वो वेंटिलेटर पर हैं, तो ऐसे में अब उनके शरीर में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा ऑर्गन काम कर नहीं रहे, सिर्फ एक लाइफ सपोर्ट के जरिए ही वो काम कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अब अनिल खबर ही मिल रही है कि 12 बजे तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एम्स पहुंच सकते हैं। हाँ, आज अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन भी है और ये वहां पर पहुंचकर केजरीवाल जी, क्योंकि अभी तक केजरीवाल अटल जी को देखने एम्स नहीं गए, तो ऐसे में आज वो भी वहां जाकर देखना चाहते हैं, अटल जी से मिलना चाहते हैं, हालांकि अटल जी से मिलने कोई नहीं मिल पा रहा है, सभी लोग बाहर आईसीयू के बाहर से ही उनके परिवार से मिलके ही वापस आ रहे हैं, तो केजरीवाल भी एक बार उनसे वहां पर जाके मुलाकात करके उनकी दीर्घायु की कामना कर रहे हैं, उनके परिवार को ठास बंधाने का मौका नहीं छोड़ना चाहते और साथ ही वो भी चाहते हैं कि अटल जी से वो आशीर्वाद मिले
राजनीति के अंदर, जिससे वो भी एक अपने मकाम हासिल कर सके। तो केजरीवाल 12 बजे के आसपास एम्स पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है, तो देखते हैं 12 बजे के आसपास वो पहुंचते हैं या आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन शेड्यूल के अंदर अनिल कि अरविंद केजरीवाल 12 बजे के आसपास एम्स पहुंचेंगे। अनिल, जो 12 बजे दूसरा बुलेटिन जारी होने जा रहा है, जिसकी खबरें लगातार सामने आ रही है, इस दूसरे बुलेटिन को लेकर भी ज्यादा सुगबुगाहट है और कहा जा रहा है कि जो स्थिति है वो दूसरे बुलेटिन में और ज्यादा तस्वीर साफ होगी कि स्थिति कितनी कैसी है और कब तक स्वस्थ होंगे। देखिए, जो 12 बजे के आसपास बुलेटिन आएगा, हालांकि ये लगता नहीं कि 12 बजे के आसपास बुलेटिन आएगा, लेकिन जिस तरीके से एक कयास लगाया जा रहा है कि 12 से 1 के बीच में एम्स दोबारा एक बुलेटिन जारी करेगा, तो उसमें अब जब तक बुलेटिन आ नहीं जाता तब तक कह पाना कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा कि क्या होता है। लेकिन अब बुलेटिन पे उम्मीद की जा रही है कि शायद 12 बजे के आसपास एम्स फिर से एक बुलेटिन जारी करेगा, जिसमें ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर अब इस वक्त अटल जी की क्या सिचुएशन होती है, जो जिसके जो एक अफवाहें फैल रही है क्या वो सही साबित होती हैं, या फिर जो एम्स ने पहला बुलेटिन अपना जारी किया था 11 बजे के आसपास, वो ही बुलेटिन दोबारा से जारी किया जाता है। बिल्कुल अनिल, आप नजर बनाए रखें, आपके पास दोबारा लौटेंगे कुछ अपडेट्स के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एम्स परिसर की तस्वीर है, एक के बाद एक नेताओं मंत्री को पहुंचना जारी है। इससे पहले आप अनुराग ठाकुर की तस्वीर देख रहे थे जो कि एम्स में पहुंचे हुए थे। जो भी इस खबर को सुन रहा है, एम्स पहुंच रहा है और बड़े बीजेपी के दिग्गज नेताओं का पहुंचना जारी है। केजरीवाल भी 12 बजे तक पहुंचेंगे, तो वहां तेज है एम्स परिसर में और सिलसिले भी तेज है। हेलो मंत्री, रविशंकर प्रसाद। मीडिया की भीड़ है, मीडिया का जमावड़ा है और हर कोई ये अपडेट देना चाहता है कि कैसी तबीयत है और क्या स्थिति है अटल जी की। आप तस्वीर देख रहे हैं, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे हुए हैं एम्स में अटल जी को देखने और भीड़ लगातार बढ़ रही है। सुरक्षा के भी इंतजाम किए हैं, अमित शाह भी हैं। निकल गया अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एम्स परिसर से बाहर निकलते हुए। अटल जी की तबीयत कैसी है? ये जो सवाल आप सुन पा रहे हैं पीछे से, हालांकि अभी जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है और जिसकी तरफ स्थिति बताई गई है, नाजुक स्थिति में है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। एम्स परिसर से नेताओं के निकलने का सिलसिला जारी है। बीजेपी के अमित शाह निकल चुके हैं। जितेंद्र सिंह रविशंकर प्रसाद, एम एन रविशंकर प्रसाद।